धार जिले के नालछा में कमाई के दिनों में लॉकडाउन की वजह से कुम्हार समाज का व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। अप्रैल में मटकों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, लेकिन साल भर में मटकों की बिक्री का इंतजार कर रहे व्यवसाय पर कोरोना वायरस का ग्रहण लग गया है। हालात यह है कि घड़ा बनाने के कारोबार से जुड़े परिवार दो टाइम की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे। नालछा निवासी प्रथम कुमार की एक माह से जारी लॉकडाउन ने उम्मीद पर पानी फेर दिया है। इस व्यापार से जुड़े लोग गर्मी में 2-3 महीने मिट्टी के बर्तन बेचकर परिवार के लिए साल भर का इंतजाम करते हैं। इसके अलावा कई परिवार तो गर्मी के मौसम में दूर दराज मिट्टी के बर्तन खरीद कर बेचने का काम करते हैं। मिट्टी के बर्तनों के व्यवसायिक से जुड़े लोगों ने बताया कि वे लोग साल भर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, लेकिन इस साल लगता है कि उनके कारण ये मिट्टी के बर्तन घरों में ही बंद रह जाएंगे। बर्तन नहीं बिकने से परिवार चलाना मुश्किल है। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आपके मटके का सीजन कैसा रहा? इस साल मटके का सीजन तो बहुत ही खराब रहा। क्या कारण रहा इसका? ये लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी के लिए सभी मतलब देश के लोगों ये अपनी अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी दुकान बंद कर दें इस साल। बस तो ये सब माल पड़ा हुआ ऐसा है। कितना माल आपका लगभग पड़ा है? 80 से 90 हज़ार रुपये का माल पड़ा हुआ। इसमें कुछ नुकसान होने जैसा भी है? हाँ, नुकसान होने जैसा, ये सब नुकसान होने जैसा ही चीज़ है, जितनी भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।